अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे हिंदू देवी देवता साइंटिस्ट थे तो क्या आप मेरी बातों पे यकीन करेंगे? शायद नहीं करेंगे, लेकिन आपको मैं आज इसी वीडियो में वो साबित करके दिखाऊंगा कि आजकल की जितनी भी साइंस मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं वो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों से ली गई हैं। पहला एग्जाम्पल देना चाहूंगा सरोगेसी का, सरोगेट मदर का। सरोगेट मदर पूरी दुनिया में कब परफॉर्म की गई थी मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के जमाने में हो गई थी, जब कंस ने देवकी माता के 6 पुत्रों को मार दिया था। तब विष्णु भगवान ने योग माया का स्मरण किया। योग माया से कहा गया कि आप देवकी माता के 7वें पुत्र, जो 3 महीने का फीटस था, 3 महीने का बच्चा था, उसे देवकी माता के गर्भ से निकालकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाए। और योग माया ने वही किया था, जिसे आज हम सरोगेसी के नाम से जानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूंगा क्लोनिंग का। जब ऋषि वेद व्यास हस्तिनापुर आए थे, तब गांधारी जो कि हस्तिनापुर की महारानी थी, उन्होंने उनकी बहुत सेवा की। इससे खुश होकर ऋषि वेद व्यास ने कहा कि आप मुझसे कोई भी वर मांगो। तब गांधारी ने ऋषि वेद व्यास से संतान प्राप्ति का वर मांगा। तब ऋषि वेद व्यास ने कहा तथास्तु। गांधारी 2 साल प्रेग्नेंट रही, लेकिन उनके पेट से कोई, उनके गर्भ से कोई बच्चा नहीं निकला, जिसकी वजह से गुस्से में आके उन्होंने एक दिन अपने गर्भ में जोर से मारा, जिससे एक मांस का टुकड़ा नीचे गिरा। मांस का टुकड़ा नीचे गिरा तो ऋषि वेद व्यास का वरदान खाली ना जाए, इसीलिए ऋषि वेद व्यास ने उस मांस के टुकड़े को 100 भागों में काटा, उसे 100 मटकों में रखा, उसे घी और बहुत सारी जड़ी बूटियों से 2 साल तक ट्रीट किया। तब उसमें से पहला बालक निकला जिसका नाम है दुर्योधन, और उसके बाद बाकी 100 कौरवों का जन्म हुआ, जिसे हम आज के जमाने में क्लोनिंग कहते हैं। थर्ड इज जीनो ट्रांसप्लांटेशन। जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? जब एक बार पार्वती माता नहाने जा रही थी, तो उन्होंने अपने मैल और मिट्टी से एक पुत्र का निर्माण किया, जिसका नाम रखा गणेश। वह वहां पे चौकीदारी कर रहा था कि कोई भी उसकी माता के नहाते के समय अंदर न चला जा सके। भगवान शिव जब अंदर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब उस बालक ने भगवान शिव को रोक दिया, और भगवान शिव ने गुस्से में आकर त्रिशूल से उसका सर काट दिया। तब पार्वती माता को यह पता चला कि मेरे पुत्र को मेरे ही पति ने मार दिया है, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा पुत्र नहीं मिलेगा तो मैं भी मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाऊंगी। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को कहा कि आप कहीं भी जाइए, कहीं से एक सर लेके आइए, ताकि मैं इसे जीवित कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने जंगल में भ्रमण करते हुए एक हाथी का सर लेके आए, और हाथी के सर को इंसान ह्यूमन बॉडी के सर पे जोड़ दिया गया, जिसे आज हम गणपति बप्पा के नाम से जानते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। फोर्थ इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक बार सती माता के पिता दक्ष ने यज्ञ में सती माता के पति शिव भगवान को इनवाइट नहीं किया था, जिसकी वजह से सती माता गुस्से में आके अग्नि में जाकर जल के राख हो गई, जिसकी वजह से शिव भगवान बहुत क्रोधित हुए और वो वहां पर आए। उन्होंने उनके बालों के कुछ अंश को लिया और जमीन पर जोर से पटक दिया, जिससे कि 3 आंखों वाले जलते हुए वीरभद्र का निर्माण हुआ, जिसने पूरी दुनिया में त्राही मचा दी थी। वो बात की बात है। इस प्रोसेस को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो थे ना हमारे भगवान साइंटिस्ट। ये सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों से ही आई है, जिसका 4 भाग में आपके साथ आपके लिए लेके आया था। इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैलाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज दुनिया को पता होना चाहिए कि हमारे ही हिंदू धर्म ग्रंथों से ली गई टेक्नोलॉजी को आज ये मॉडर्न साइंस का नाम देते हैं।